हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, फाइनली जो चीज का आप लोग डिमांड कर रहे थे कंटिन्यूअसली, और वो डिमांड फाइनली आज हमने पूरा कर दिया है, जो कि है बीके यानी बुक कीपिंग का लेक्चर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूरज दुबे सर। तो फाइनली मैं उनको वेलकम करता हूं हमारे जेआर फैमिली में, जेआर ट्यूटोरियल्स एंड जेआर कॉलेज में इनका स्वागत है। लेकिन अब जैसा कि जानते हैं, 11th एंड 12th के लिए हमने सेपरेट कर दिया चैनल, जेआर कॉलेज चैनल है, और यहां पे आज से शुरुआत होने वाला है बीके का लेक्चर। तो अभी ये जो लेक्चर है ये 11th स्टैंडर्ड के लिए होगा, और इसके बाद जब बनेगा बहुत सारे लेक्चर्स आते रहेंगे, तो कंटिन्यूस 11th प्लस 12th। तो अगर आपके कोई दोस्त है 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, कॉमर्स के फील्ड में हो, 12th के कोई फ्रेंड है कॉमर्स के फील्ड में, तो उनको बता देना कि यार अब जो है जेआर कॉलेज चैनल पे बीके का लेक्चर आने वाला है बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही मजेदार तरीके से। तो देखो, अभी तो मैंने सूरज सर की थोड़ा सा नाम लेके इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन अपनी तारीफ सूरज सर खुद करने वाले हैं। अभी मैं माइक सूरज सर को देने वाला हूं, और सूरज सर अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, और फिर हम आ जाएंगे टॉपिक के ऊपर, जो कि है पहला चैप्टर बीके का। तो तैयार हो जाना सभी लोग, एकदम टाइटली कुर्सी की बेटी बांध लो। तो सबसे पहले मैं माइक दे रहा हूं सूरज सर, थैंक यू सो मच। अब आप ले लो अच्छी तरीके से लेक्चर, ठीक है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। फर्स्ट ऑल ऑफ यू, मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा सर को, जो सर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया मुझे, आज यहाँ पे खड़े होकर आप लोग को बोलने का मौका दिया। एंड सर ने जो मेरे पे ट्रस्ट किया है, वो मैं लास्ट टाइम तक करूंगा, जितना मुझसे होगा उतना मैं बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम सूरज दुबे, अभी मेरा फील्ड ग्रेजुएशन पूरा हो गया है, एंड 12th में मैं बीके में हाईएस्ट रैंकर था, आई वांट 91 मार्क्स इन बीके सब्जेक्ट। सो आई विल टेल टू यू कि बुक कीपिंग, फर्स्ट ऑल ऑफ यू थिंग यू आर नोटेड अबाउट कि आपने 10th के बाद कॉमर्स लिया रहेगा। कुछ बच्चे कॉमर्स ले रहेंगे, कुछ बच्चे साइंस ले रहेंगे, कुछ बच्चे आर्ट्स ले रहेंगे, बट आपको अभी तक पता ही नहीं कि एक्चुअली कॉमर्स में क्या होता है और साइंस में क्या होता है और आर्ट्स में क्या होता है। आपने 10th तक क्या रहेगा, 10th तक आपने बेसिक नॉलेज ये लिए रहेंगे, एल्जेब्रा वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह, मैथ्स में आपने ये सब पढ़ा होगा, बट ये बहुत डिफरेंस है, ये बहुत अलग है, ये 10th के बेसिक पे 11th नहीं है, ये 11th समझ लो आपको प्राइमरी फर्स्ट स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट हो जाएगा। ये सबसे अलग है, 10th अलग हो गया और 11th 12th अलग हो गया, ठीक है? तो सपोज मैं बोलता हूं कुछ बच्चों ने कॉमर्स लिया रहेगा, ये वीडियो सेम कॉमर्स पे, कॉमर्स लेक्चर पे ये वीडियो बनाया जा रहा है, ये आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर आप लोगों ने हमारा लेक्चर नंबर 1 से लेके एंडिंग तक देखा, देन आई प्रॉमिस टू यू कि आपको 90 अबव मार्क्स 101% बीके में मिलेगा। और बीके एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स कि आप इसके अंदर अच्छे से अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो। अगर आपने मोस्टली अंडरस्टैंडिंग किया ना, तो 98-99 बच्चों को मिला। मेरा हैंडराइटिंग उस टाइम थोड़ा खराब था, इसलिए मुझे 91 मिला था, बट आई विल मैं पेपर चेकिंग में डाला था, तो रीचेकिंग में मैंने देखा तो कुछ हैंडराइटिंग वैसे मेरा मार्क्स कट था, वरना मेरा ऑलमोस्ट 95 तक मार्क्स था बुक कीपिंग में। तो जो ये सब्जेक्ट है ना, ये आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, ओनली पर डे मिनिमम 2 सम्स करना, ओनली ज्यादा नहीं आधा घंटा आप बैठ गए ना ये सम्स के लिए, तो मैं इजीली बोलता हूँ कि आप इसमें 100% स्कोर करके जाएंगे, ठीक है? अभी आते हैं हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अभी सब बच्चों ने, किसी बच्चों ने कॉमर्स लिया रहेगा, अब कॉमर्स में फर्स्ट डे आप जाते हैं अपने कॉलेज में जाते हैं, देन आपके प्रोफेसर आते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम? हम लोग बोलते हैं ना, माय नेम इज दैट दैट एक्स वाई जेड, ओके? देन सर क्या कॉमर्स करते, आपने कॉमर्स क्यों लिया? ऑलमोस्ट हर कॉलेज में पूछा ही जाता है कि आपने कॉमर्स लिया क्यों है, बट आपको क्या, आप नए नए बच्चे हो, आप कॉमर्स में जा लिया एडमिशन लिया, बट आपको पता नहीं कि कॉमर्स क्या होता है। आप क्या बोलेंगे, सर सब्जेक्ट है कॉमर्स, बट नहीं, कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं है, कॉमर्स एक पर्टिकुलर थिंग है। कॉमर्स क्या होता है पता है क्या? कॉमर्स इज अ जस्ट एक्टिविटी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स एक ऐसा प्लेस है जहां पर हम कुछ चीजें खरीदते हैं और कुछ चीजें बेचते हैं। सपोज बिजनेस, वन इज अ बायर, वन इज अ सेलर। बाइंग क्या करेगा, सामान को बेचेगा, सेलिंग क्या करेगा, सामान को सेल करेगा, और बाइंग मतलब सामान को खरीदेगा। जहां पे लेन देन होता है, जिस प्लेटफॉर्म पे लेना देना होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसे बोलते हैं कॉमर्स। अगर आपको सर पूछते आपने कॉमर्स क्यों लिया, देन आपका सिंपल सी लॉजिक, कॉमर्स इज जस्ट एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर मैंने कॉमर्स इसलिए लिया है कि मैं बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस सेटअप कैसे करते हैं, बिजनेस में जो भी हम परचेस करते हैं, सेलिंग करते हैं, उसके रिकॉर्ड्स कैसे करते हैं, उसे मेंटेन कैसे करते हैं, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमारा बिजनेस किस फ्लो पे चल रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा, बुक कीपिंग से मालूम पड़ेगा। तो पूरा जो भी बुक कीपिंग है वो इस चीज पे पूरा बेसिक है, ठीक है? आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, खाली चीजों को समझना है।
अगर आप चीजों को समझ गए देन यू आर द मास्टर माइंड, पक्का श्योर यू आर द मास्टर माइंड। बस ठीक है, अभी सब हो गया, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा एजुकेशन पे, उसके बाद हम अपना टॉपिक चालू करेंगे। जिंदगी में अपने पूरे लाइफ में एक ऐसा बोलते ना इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी थिंग है जो जिंदगी में हमसे कोई छीन नहीं सकता, वो है एजुकेशन। एजुकेशन इज अ बोलते ना वैल्यूबल थिंग, उसका कोई डिमांड नहीं है। तो आप एजुकेशन को इतना अंदर भर लो कि वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, कभी भी आपको प्रॉफिट ही देगा। तो एजुकेशन लेना है तब हमको पढ़ना है, तब अपने माइंड में चीज डाल लो कि मेरा सबसे बड़ा थिंग क्या है, एजुकेशन, जो मुझसे लाइफ में कोई छीन नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, पढ़ाई करूंगा। ओके, पढ़ाई करेंगे। चलो अभी वेलकम टू द जेआर कॉलेज, आप लोग का वेलकम हो गया अपने चैनल जेआर कॉलेज पे, और हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर चालू करेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, आज का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, लेक्चर नंबर 1। फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक समझेंगे, अकाउंट क्या होता है वो समझेंगे, बुक कीपिंग क्या होता है वो समझेंगे, देन आगे आगे धीरे स्टेप बाय स्टेप हल्का 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 स्लोली स्लोली बढ़ेंगे, आपको समझाएंगे। ओके, टॉपिक्स ऑफ कवर, व्हाट इज अ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, डेफिनेशन, यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंट्स बेसिक्स, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ऑलमोस्ट ये जो 7 टॉपिक्स है ना वही है। अगर आप 7 टॉपिक समझ जाओगे ना तो आपको 11th के फर्स्ट चैप्टर में 11th के बच्चों को बीट आउट कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ओके, चलो आज के वीडियो में हम व्हाट इज अ बुक कीपिंग देखेंगे, ओके, एंड फीचर्स देख लेंगे, एंड इंपॉर्टेंस देख लेंगे, एंड डेफिनेशन देख लेंगे, 4 देख लेंगे, एंड जो यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग है अकाउंट बेसिक टर्म में ऑब्जेक्टिविटी है, ये हम नेक्स्ट के चैप्टर में लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। ओके, चलो सभी लोग जो जो नहीं जुड़ा है, जो जो फटाफट आ जाओ हमारे चैनल में आ जाओ, और आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करो कि ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। ओके, चलो आ जाओ। चलो अब मैंने आपको पहले बताया था कि आपने कॉमर्स लिया तो कॉमर्स होता क्या है, पहले आपको चीजें समझना कि कॉमर्स क्या होता है, हमने कॉमर्स क्यों लिया। कॉमर्स इज जस्ट एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनीथिंग और सर्विसेज। कॉमर्स एक ऐसा जगह है, एक ऐसी एक्टिविटी है जहां कुछ चीजें बेचते हैं और कुछ चीजें खरीदते हैं, वहां पर बाइंग एंड सेलिंग होता है, किसी सर्विस में मतलब एक ट्रांजेक्शन में होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉमर्स। कॉमर्स मतलब क्या बच्चों, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ सामान बेचना है कुछ सामान खरीदना, उसको क्या बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं। अंडरस्टैंड, मुझे पता है आप लोग को डाउट नहीं होगा, अंडरस्टैंड आप लोग समझ गए, क्योंकि आप लोग क्या है, आप लोग मास्टर माइंड है ना। ओके, चलो ये आपको समझ गया, ठीक है। सेकंड, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या होता है बच्चों, देखो ये मैंने लिख दिया इधर बुक कीपिंग। ओके, चलो अब बुक क्या होता है, ठीक है, अब बुक में हम क्या करते हैं, बुक्स में क्या करते हैं, जनरली सीधी सी बात है, उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, हमारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, हम कुछ भी करेंगे तो उसके जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हम वहां पे नोट डाउन करेंगे। तो बुक्स में क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड्स करते हैं, ठीक है, हमारा इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब कीपिंग मतलब क्या, कुछ चीजें रखना, कुछ चीजों को हम मेंटेन करते हैं। अभी मैंने ये लिखा है तो उसको मैं एक गद्दी रख दूंगा, एक हफ्ता रख दूंगा, या वन ईयर तक रख सकते हो ऑलमोस्ट। ओके, ठीक है, वो हमेशा लाइफ टाइम तक रहेगा हमारे पास इन्फॉर्मेशन। समझ लो आज ये मैंने बॉटल में मैंने आज 75 रुपीज के लिए, बहुत जरूरी है ना मुझे ये 4-5 साल याद रहे। अगर मैं इस बॉटल का 75 अमाउंट बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करके रखूंगा, आफ्टर 7 ईयर्स भी मुझे कोई पूछा कि आपने बॉटल कितने का लिया था, देन मैं रिकॉर्ड चेक करके इजीली बोल सकता हूँ कि मैंने ये 75 का बॉटल्स लिया था। परफेक्ट, ओके, चलो। अब कीपिंग का मतलब क्या होता है, मेंटेन करना, कुछ चीजें को अपने बुक्स में मेंटेन करना, तो ये क्या बन गया, रिकॉर्ड्स मेंटेन। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। ओके, बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड्स कौन सा, रिकॉर्ड्स हमारे बिजनेस का, रिकॉर्ड्स हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, लॉस से लेके प्रॉफिट तक, प्रॉफिट से लेके लॉस तक, कहां आएगा, बुक कीपिंग में आएगा। ओके, चलो, थर्ड, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमेटिक मैनर। बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग में जो भी हम डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो सामान ला रहे हैं, दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी चूज कर रहे हैं, उसका हम ट्रांजेक्शन एक सिस्टमैटिक मैनर में बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल देता हूं,
सपोज मैंने बॉर्डर का बिजनेस चालू किया, आज मैंने इस बॉर्डर के रॉ मटेरियल को परचेस किया, अब परचेस किया उसका रिकॉर्ड में कहां करूंगा, इसका रिकॉर्ड में बुक कीपिंग में कर दूंगा, ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड क्या है, अब मेरे को लेबर लगेंगे, ठीक है, लेबर को मैंने क्या दिया, सैलरीज दिया, तो उसके इंटरेस्ट कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड करूंगा। बुक कीपिंग मतलब क्या होता, समझ जाओ, जो भी हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हैं अलग अलग इंटरेस्ट करते हैं उसको हम अपने बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ओके चलो, यहां तक समझ गए। चलो अभी क्या दिया हुआ है, अकाउंट इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। अब बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग की छोटा प्लेटफॉर्म है जिससे हम डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन जो भी हमारे अंदर आ रहा है जा रहा है, ठीक है, जो भी हम बिजनेस से रिलेटेड करते हैं वो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं। अब अकाउंटेंसी में क्या होता है, देखो अकाउंटेंसी में क्या होता है, हम जो रिकॉर्ड्स करते हैं वो हमारा बिजनेस चालू होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप जो जो चीजें करते हैं, जो जो सामान आ रहा है जा रहा है, जो भी सैलरीज है, रेंट है, वेजेस है, ऑक्ट्रो ड्यूटी है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ऑल ऑफ थिंग्स आर ट्रांजेक्शन इन द अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी क्या करता है, उसको एनालाइजिंग करता है, समराइजिंग करता है, उसको कैलकुलेशन करता है, उसको फाइनल अकाउंट में शो करता है। क्या शो करता है, कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, वो कौन शो करता है, वो अकाउंट शो करता है। बिकॉज हम पूरा 1 ईयर बिजनेस करते हैं ना बच्चों, तो 1 ईयर में तो है नहीं कि हमें प्रॉफिट ही होएगा, अरे लॉस भी हो सकता है, हमारा बिजनेस हम तो कर रहे हैं ना, तो उसका जो रिजल्ट है वो कौन शो करेगा, वो अकाउंट शो करेगा, जो 1 ईयर का अकाउंट बनता है वो शो करेगा। ओके चलो अंडरस्टैंड। चलो अभी क्या है, हम समझेंगे मीनिंग ऑफ बुक्स कीपिंग, ठीक है। बुक्स कीपिंग का मतलब क्या होता है, देखो बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमेटिक मैनर। जैसे मैंने आपको बताया कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, बुक कीपिंग मतलब यह होता है कि जो भी हम अपने बिजनेस में डे टू डे सामान के जो ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी से लेना, किसी से देना, कुछ सामान को लाना, मैन्युफैक्चर करना, मार्केट तक ले जाना, जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी है, वो चीज हम कहां मेंटेन करेंगे, हम यहां पे मेंटेन करेंगे, कहां मेंटेन करेंगे, बुक और कीपिंग में मेंटेन करेंगे। ओके अंडरस्टैंड। चलो अंडरस्टैंड हो गया। हाँ अभी क्या दिया है, अब इसके अंदर सेकंड है फीचर्स, हम बुक कीपिंग में क्या देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, ठीक है। अभी फीचर्स में क्या दिया, पहला पॉइंट क्या दिया, इट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये क्या है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है उसको हम रिकॉर्ड करने हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं हमें बुक कीपिंग में। ओके ओके चल ठीक है। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, हम बुक कीपिंग बना रहे तो हम उसमें क्या अपना जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जो भी पैसे से लेन देन है, वही हम रिकॉर्ड करेंगे, बाकी कुछ करेंगे कि अपने अकाउंट में नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बाकी दूसरे तरह से कोई लेना देना नहीं है, हमको हमारा बिजनेस, हमारा अकाउंट, हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है उसके एंट्रीज अब हमारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ओके चल, ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड व्हेन आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, ठीक है। अब समझो ये पोर्टल मैंने समझे बॉटल का रॉ मटेरियल मंगा लिया, ठीक है। अब ये बॉटल को मैंने बनाने में मेरे को बहुत से एक्सपेंसेस लगे रहेंगे भाई, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस लगे रहेंगे, लेबर एक्सपेंसेस लगे रहेंगे भाई, वेजेस देना पड़ा रहेगा, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, समथिंग अमाउंट दैट मैंने लाया, ठीक है। अब उसका मैंने रिकॉर्ड ये बुक में कर लिया, समझ, बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। अब अगर बाय चांस मैं एक महीने के बाद भूल जा रहा हूं कि मैंने क्या मंगाया था, क्या किसको दिया, मेरे माइंड में नहीं रहा, अगर बट मैंने उसको रिकॉर्ड किया है तो अंडरस्टैंडिंग में उसको समझ सकता हूं ना कि भाई मैंने लिखा है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो एवरी मतलब हमेशा के लिए इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए हम बुक कीपिंग का यूजफुल करते हैं। ओके समझा। चलो बाय, इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली, इसको क्या बोला गया है, आर्ट बोला गया है, एक कला बोला गया है। अभी सब कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अभी अभी मैं साइंस वाले बच्चों को यहां लेके आऊ और बोलू कि आप अकाउंट पढ़ाओ, तो अकाउंट पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वो उनको उतना नॉलेज नहीं है। बट अगर मैं कॉमर्स वाले को बोलू क्या क्या आप अकाउंट पढ़ाओ, पढ़ा सकते हैं आपको अकाउंट, इजिली पढ़, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, उनके पास वो कला है। तो इसको इसी पे बेसिक पे बोला गया है कि अकाउंट बुक कीपिंग एक कला है, एक आर्ट है, जो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट एंड लॉस को शो करती है आफ्टर 1 ईयर। जब 1 ईयर को जो भी बिजनेस करते हैं ना बच्चों, 1 ईयर का बिजनेस वो शो करती है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। ओके चलो समझा आप लोग को क्या होता है फीचर्स। ओके ये जो भी है ना, जो भी फीचर्स है उसको आप अपने बुक्स में नोट्स कर सकते हो, एंड आप एग्जाम में अगर ये 5 फीचर्स भी लिख के आते हो ना, तो इजिली आपका 1 मार्क्स नहीं कटेगा, आपको आउट ऑफ 5 मार्क्स के लिए आया तो आउट ऑफ 5 मिलेगा ही। ओके चलो।
चलो फाइव, अब क्या आ गया इंपॉर्टेंस, सबसे अच्छा है ना इंपॉर्टेंस। अरे हम क्या सब लोग बोलते हैं ना, अरे बिजनेस कर रहे, चलो ना पैसा आया ना दिया, माल आया ना चलो चलने दो चलने दो, मगर उसका भी कुछ इंपॉर्टेंस होता है ना, कुछ जरूरत होती है, हम क्यों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उस वो बेसिक पे हम लोग आज जानेंगे। ओके चलो रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड अभी बार बार रिकॉर्ड आ रहा है, आप लोग भी कन्फ्यूज होंगे, बार बार सर रिकॉर्ड आ रहा है रिकॉर्ड 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 ना, तो आपको समझना है ठीक है। रिकॉर्ड, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू रिमेंबर ऑल ट्रांजेक्शन, बट बुक कीपिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन आर परमानेंटली एंड सिस्टमेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों कि हमने अगर एक बिजनेस, हम लोग मैं एक ऑनर हूं, मैंने एक बिजनेस चालू किया, हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल्स आ रहा है, हमारे बिजनेस में गुड्स जा रहा है, हमारे बिजनेस में लेबर्स आ रहे हैं, हमारे बिजनेस में रेंट जा रहा है, हमारे बिजनेस में टैक्स पे हो रहा है, ठीक है। उस सबका इन्फॉर्मेशन मैं अपने माइंड में हमेशा रख सकता हूँ क्या, नहीं रख सकता हूँ। बट अगर हम एक बुक कीपिंग का यूज करके बुक कीपिंग में हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो वो हमेशा के लिए हमारे पास हमें याद रहेगा, हम देख सकते हैं ना खोल के कि हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, किस किस को पैसा दिया, ठीक है। इसके लिए हम जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करते, समझा? ओके समझा। सेकेंड क्या है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बुक कीपिंग इज यूजफुल टू गेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और लॉस, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक एक्सेट्रा एट एनी गिवन टाइम। अब समझ लो आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट आप कभी भी अपना बिजनेस, आज मैंने भाई 100 रुपया लगाया बट आया कितना 80 रुपया आया, कितना लॉस हो गया, अरे 20 रुपया लॉस हो गया, आपको ये हमेशा नोटिफिकेशन देते रहेगा आपका बिजनेस किस पोजिशन पे जा रहा है, हाई लेवल पे जा रहा है, लो लेवल पे गिर रहा है, कौन करेगा? जब तक अपन बुक कीपिंग नहीं करेंगे ना, आप नहीं समझ पाएंगे कि हमारा बिजनेस किस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। तो इसके लिए हम बुक कीपिंग का यूज करते हैं कि हमारा बिजनेस किस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। ओके, इससे क्या होता है, हमारा बिजनेस क्या प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, हमारे पास असेट्स कितना हो गया, हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया, हमारे पास स्टॉक कितना है, वो हमें बुक कीपिंग जब बनाएंगे, जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो हमको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके चलो, अब क्या दिया हुआ है, डिसीजन मेकिंग, बुक्स कीपिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द बिजनेसमैन फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अभी समझो आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, अभी मैं थर्ड पर्सन आया, अब मैंने आपके ट्रांजेक्शन को पढ़ लिया कि हाँ भाई आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, मार्केट में रनवे है, आपका मार्केट में डिमांड है, ठीक है, तो मुझे क्या रहेगा, डिसीजन लेने में यूजफुल हो जाएगा ना, बरोबर कि नहीं? जब तक मुझे कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा, मैं आया देखा तो मुझे समझेगा नहीं, समझेगा ना? जब तक मैं आपके इन्फॉर्मेशन पढ़ूंगा नहीं, आपके इन्फॉर्मेशन देखूंगा नहीं, तब तक मुझे मालूम पड़ेगा नहीं। इसके लिए जो भी आपका रिकॉर्ड्स रहता है उसको पढ़ने के बाद डिसीजन लेने में बहुत अच्छा यूज होता है। अब हमारे बिजनेस का डिसीजन कौन लेता है आपको पता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, जो बिजनेस जो चलाते हैं ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। तो यहाँ पे जो डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसीजन लेने में बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड किया है ना बच्चों, रिकॉर्ड किया, तो आप किसी के लिए भी इन्फॉर्मेशन पढ़ना इजी रहेगा, पढ़ के कोई भी समझ सकता है ना, इसके लिए हम बुक कीपिंग को रिकॉर्ड करते हैं। ओके चलो, फोर्थ कंट्रोलिंग, बुक कीपिंग इनेबल्स द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द बिजनेस टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। समझो समझो, एग्जाम्पल देता हूं, अब मैंने एक फर्म चालू कर दिया फर्म, अब फर्म में मेरे अच्छे से रनिंग हुआ, 6 मंथ अच्छे से रन हुआ, ठीक है, बिजनेस में सब कुछ हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, माल्स आ रहे, माल्स मार्केट तक जा रहे, कस्टमर का अच्छा रिव्यू आ रहा है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, अब कंट्रोल, अगर सब कुछ, एक एग्जांपल देता हूँ, फेयर लवली सुना रहेगा, फेयर लवली स्टार्टिंग में आया तो उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे आया था, लाओ फेयर लवली लगाओ और 7 दिन में गोरा हो जाओ, ठीक है। अब एक कंज्यूमर बहुत ही काला था कस्टमर, ठीक है, वो देखा एड्स को, खुश हो गया, अरे वाह कितना अच्छा चीज आ गया, मैं 7 दिन में गोरा हो जाऊंगा। अब उसने क्या किया, वो क्रीम को लगाया भाई, 40 दिन लगा दिया उसने, कितना दिन लगा दिया, 40 दिन लगा दिया, बट उसको इफेक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, कंपनी के ऊपर केस कर दिया, किस पे, फेयर लवली पे केस कर दिया कि सर आप एडवर्टाइजमेंट करिए 7 दिन का, बट मैंने 40 डेज लगाया, सर कोई फर्क नहीं गिरा, कंपनी पे केस हो गया। तो कंपनी जब भी कुछ भी करती है ना तो वो फ्यूचर का सोच के करती है। तो कंपनी ने क्या रूल दिया पता है, कि आपने पढ़ा नहीं, हमारे प्रोडक्ट के नीचे लिखा था टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर निर्भर है। तो ऐसी सेम कंट्रोलिंग भी है, जब आपको चीजें पता चलेगी तो आप किस तरह उसको कंट्रोल करते हो, बिजनेस को किस तरह स्टेबल करते हो। अब समझ लो बिजनेस लॉस में जा रहा है तो आप छोड़ दोगे कि लॉस में चले जाए, आज 10 रुपये लॉस हुआ कल 20 हो जाएगा, नहीं, आप क्या करोगे, उसको कंट्रोल करोगे, उसको मैनेजमेंट करोगे कि वो जो लॉस हो वो रिकवर हो जाए, प्रॉफिट में आ जाए। तो कैसे, जब हम ट्रांजेक्शन, जब हम इंफॉर्मेशन पुट आउट करेंगे, रिकॉर्डिंग रखेंगे, सब रिकॉर्ड्स मेंटेन प्रॉपर रहेगा,
तो हम पढ़ के इजिली कि हम किस वे में रॉन्ग जा रहे हैं और किस वे में राइट जा रहे हैं। समझेगा आप लोग को? समझेगा। तो इसी तरह से होता है, जब हम रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि हम किस तरह है, रॉन्ग है, सही है, जो भी है, तो अपने बिजनेस को कंट्रोल करके रन वे कर सकते हैं। ओके चलो। फिफ्थ है टैक्स लाइबिलिटी। बुक्स कीपिंग इज यूजफुल आउट द टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, बुक्स कीपिंग क्या होता है, आपको टैक्स लाइबिलिटी के लिए बहुत यूजफुल करता है। जैसे आपने 100 रुपी आपने एनुअल इनकम ठीक है 1 लाख था, सपोज एनुअल इनकम आप 1 लाख पे आपको 2% टैक्स भरना है, बरोबर। अब ये 1 लाख कैसे मालूम पड़ेगा, जब आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन करोगे, आप ट्रांजेक्शन को बिजनेस में पुट आउट करोगे, इसके इंटरेस्ट करोगे, उसको मतलब समराइज करोगे, एनालाइजिंग करोगे, आपका बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है ठीक है, आपको मालूम पड़ता है कि मेरे बिजनेस में इतना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 1 लाख प्रॉफिट हो गया, तो 1 लाख पे 2% निकालना इजी हो जाएगा ना, इसलिए हम रिकॉर्ड्स करते हैं कि हमें फाइनल अमाउंट मिले और उससे हम टैक्स लायबिलिटी जो भी हमारा है वो हम पे कर सके। जैसे कि एग्जांपल इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, दे आर ऑल द इनकम में आपको भरना पड़ेगा। आपने बिजनेस चालू किया तो आपको इनकम टैक्स तो भरना है, प्रॉपर्टी टैक्स तो भरना है, जीएसटी तो भरना है। तो कैसे भरना है, जब अमाउंट आप शो करेंगे तो उस आपको अमाउंट में पुट आउट करना है ना, इन्फॉर्मेशन है उसकी इंट्रेस्ट करना है आपको, करना है। चलो ओके, अभी आ गए हम 7। अब डेफिनेशन दिया हुआ है, अब डेफिनेशन में शार्ट डेफिनेशन दिया है कॉमर्स की आपके फर्स्ट चैप्टर में, बस मैं बोल लूंगा इट इज द वेरी यूजफुल टू अस। छोटे मत जाओ, छोटे पे मत जाओ, क्योंकि डेफिनेशन अगर आपने पढ़ के छोटा भी लिखा है, परफेक्ट लिखा है, तो एग्जामिनर आपको 2 मार्क्स देंगे, ये श्योर है। तो आप छोटे पे जाओ मत, आप इजिली समझो। अब जे आर बैटली बॉय क्या बोलते हैं, ये जे आर बैटली बॉय ऑथर है, ये ऑथर क्या बोलते हैं आपको, बोलते हैं बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग डीलिंग्स इन सेट्स ऑफ बुक्स। बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट है जिसमें हम अपने बिजनेस के डीलिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं। सपोज जैसे देखो आप एक प्रोप्राइटर, ठीक है ये प्रोप्राइटर है, ओके अब प्रोप्राइटर ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ये हो गया बिजनेस स्टार्ट, ठीक है। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले क्या लगता है, कैपिटल लगता है, मनी लगता है ना। अब उसने मनी लगाया, ठीक है अब मनी के बाद क्या लगेगा, मैन्युफैक्चर किया, लैंड लगेगा। बिजनेस करने के लिए जगह चाहिए ना हमको, हम बिजनेस के हवा में कर लेंगे क्या, नहीं हमको स्पेसिफिक जगह चाहिए, ठीक है। अब यहां पे मैंने लैंड ले लिया, ठीक है अब लैंड हो गया, कैपिटल भी डाल दिया, मशीनरी भी आ गया, असेट्स भी आ गया, बट करने के लिए मैं अकेला तो करूंगा नहीं, मुझे क्या लगेंगे, मैन पावर लगेंगे, लेबर लगेंगे, ठीक है ये हो गया लेबर, ठीक है ये लेबर ले लिया। एंड लास्ट ऑप्शन क्या हो, अब जब मैं बिजनेस चालू कर रहा हूं, इतने से इतना मेहनत करो तो मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए ना बच्चों, क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे लास्ट में क्या चाहिए, प्रॉफिट। अब बिजनेस जब चालू करेंगे ना आप, तो ये 4 चीजें उसमें आती है, ठीक है। अब ये 4 चीजों में क्या क्या ला रहे हो, क्या क्या दे रहे हो, जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसको आप बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करोगे, उसको ही बोलते हैं बुक कीपिंग। आपके बिजनेस आप किस तरह कर रहे हो, आपका बिजनेस किस तरह ग्रो हो रहा है, किस तरह जिस तरह भी हो रहा है, उसके पूरे बेसिक इंफॉर्मेशन आप कहां पे बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करोगे, ओके। आप रिकॉर्ड्स करने का वजह है, आप लोग सर क्यों रिकॉर्ड्स करना, बुक कीपिंग में क्या मिलेगा रिकॉर्ड्स करके, बच्चों रिकॉर्ड्स आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियां कहां हो रही है, आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, बिजनेस में लॉस कितना हो रहा है, बिजनेस किस स्टेप पर जा रहा है, आप बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे। सपोज वन एग्जांपल देखो, टाटा सुनेंगे, टाटा का नाम सुने रहेंगे, अब टाटा जो था ना वो स्टार्टिंग में बहुत लो लेवल पे थे, और आज के मतलब टाटा का नाम ब्रांड है, टाटा के समथिंग बोलो तो 100 ऊपर उनके प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे, ठीक है। तो उन्होंने क्या सिस्टमैटिक किया ना, उन्होंने बिजनेस को बनाया, हर एक रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया, उन्होंने उसको स्टडी किया कि मेरा बिजनेस किस तरह पे जा रहा है, मेरे कस्टमर का डिमांड क्या है, मेरे कस्टमर का रिप्लाई क्या है, मेरे कस्टमर कमेंट क्या कर रहे हैं कि मेरा बिजनेस बेस्ट है कि नहीं। तो उन्होंने अपना जो नाम था टाटा ना, उन्होंने डाल दिया कस्टमर के माइंड में, टाटा इज अ ब्रांड, टाटा ने धीरे धीरे लॉन्च करना चालू कर दिया प्रोडक्ट, अपना नाम टाटा का टी सुने रहेंगे आप, टाटा का टी। अभी मैक्सिमम लोग बोलते ना चाय पत्ती टाटा का टी दो, कंपनी के नाम से मतलब लोगों के माइंड में उसने डाल दिया। सपोज वन एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप डेली टूथपेस्ट यूज करते रहेंगे, बरोबर करते रहेंगे ना, बट आप जाते हैं मेडिकल में तो क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट दो बोलते क्या, नहीं बोलते ना, क्या बोलते, कोलगेट दो, बट कोलगेट एक प्रोडक्ट का नाम है, तो कोलगेट ने अपना जो
ना अपना जो गुडविल था वो कस्टमर के माइंड में ऐसा डाल दिया है ना कि अब कोई टूथपेस्ट मांगता ही नहीं है, डायरेक्ट बोलते कॉलगेट दो। तो वो किसे किया, वो जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया ना बच्चों, तो बिजनेस के जितने ट्रांजेक्शन थे वो सब रिकॉर्ड किया, वो सब पढ़ा, उसके बेसिक नॉलेज क्या है, मेरे बिजनेस किस तरह जा रहे, मेरे कस्टमर को क्या चाहिए। इस तरह बुक कीपिंग बिजनेस को बहुत हेल्प करता है। आप कॉमर्स ले रहेंगे ना, आप कॉमर्स में SP पढ़ेंगे, OC पढ़ेंगे, अकाउंट्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, या और जो जो सब्जेक्ट है ना वो आपके एक बिजनेस पे, आपको किस तरह बिजनेस करना है लाइफ में, किस तरह बिजनेस को ग्रो करना है, तो सबसे मेन होता है बुक कीपिंग होता है। बुक कीपिंग में क्या होता है, जितने हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी हम करते हैं, लेना देना आना जाना जो भी रहता है, उसका एंट्री हम कहाँ करते हैं, बुक कीपिंग में करते हैं। ठीक है, चलो चलो, आज हमने देख लिया कि बुक कीपिंग क्या होता है, समझे, अभी आपको डाउट नहीं रहेगा बुक कीपिंग मतलब क्या होता है। हम जो भी ट्रांजेक्शन लेते हैं अपने बिजनेस में करते हैं, आइंग बाइंग सेलिंग जो भी करते हैं, ठीक है, जो भी हम रेंट दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, ऑक्टो ड्यूटी, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, रेंट, ऑल अबाउट दैट हम कहां करते हैं, बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ गया आज, ओके। सेकेंड क्या होता है, उसके फीचर्स देख लिए कि इसमें क्या क्या होता है, किस तरह हम बुक कीपिंग का यूज करते हैं, किस तरह डे टू डे बिजनेस करते हैं, ये आपको पता चल गया। हमारा बिजनेस का टाइम क्या है, आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी हम अपने बिजनेस में करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, सब आपको मालूम पड़ गया, बरोबर। चलो अब सेकंड क्या, इंपॉर्टेंस, उसका इंपॉर्टेंस क्यों था, हम बुक कीपिंग क्यों यूज करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस मतलब कि हम बुक कीपिंग यूज क्यों करते हैं। सर हम कुछ भी और भी तो यूज कर सकते नहीं, मगर बुक कीपिंग यूज करने से क्या है कि हमें लाइफ टाइम तक अभी जब भी हमको लगा कि हमारा इन्फॉर्मेशन किस लेवल पे हम देख के पता कर सकते। ये जरूरी तो नहीं है कि मुझे हमेशा वो चीजें याद रहेगी, बट हम अगर बुक खोल के देखेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारा बिजनेस किस लेवल पे था, हमने क्या क्या बिजनेस में किया था। ओके, ये होगा इंपॉर्टेंस। डेफिनेशन देख लिया JR बैटली बॉय का, ठीक है, तो ये बेसिक से जो 4 टॉपिक्स थे वो हमने आज कवर कर लिया है। ओके, बाकी यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंट, बेसिक टर्म, ऑब्जेक्टिविटी, ये जो 3 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आने वाला वीडियो इससे भी अच्छा रहेगा, उसके अंदर आपको अकाउंट्स के एक एक बेसिक टर्म जानने मिलेंगे कि भाई डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ड्रॉइंग्स क्या होते हैं। ठीक है, आगे आप आएंगे, आगे सेकंड लेक्चर देखेंगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट सब उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, फिर ब्यूटी ऑफ बुक्स अकाउंट, बुक्स अकाउंट का यूजफुल क्यों है, यूजेस क्या है, किसके लिए यूजेस है, कौन यूज करता है, ये ऑलमोस्ट ऑल थिंग आपको इसमें मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिविटी क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, उसका फाइंड आउट क्या रहता है, ये सब आपको इसके अंदर मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में इतना बोलना चाहूंगा, जब आप समझो आप BK पढ़ रहे हो ना, तो आपको एक ऑनर बनना है, एक प्रोप्राइटर बनना है कि मैं एक ऑनर हूं, मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरे बिजनेस में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, उस सबको पढ़ना है, उस सबको रिकॉर्ड करना है। जब आप ऑनर बन जाओगे ना, तो ये चैप्टर आपके लिए ना एकदम इजी हो जाएगा, एकदम इजी, कुछ है ही नहीं है चैप्टर में। ठीक है, समझा बच्चे लोग को, मैं होप करूंगा कि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझा, जितना मैंने आज आपको बताया है ये आप सबको अच्छे से समझा रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको लेक्चर नंबर 2 में, तो वहां पे हम ये तीनों देख लेंगे। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, कि मुझे भी लगे कि हाँ कमेंट अच्छा आएगा तो मैं और अच्छा कर सकूँ, और अच्छा वीडियो बना सकूँ आप लोग के लिए, और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन ला सकूँ। ठीक है, तो चलो फिर बाय, सभी को नेक्स्ट अपने से एजुकेशन करो, अच्छे से पढ़ाई करो, और अच्छा स्कोर करना भाई BK में। ठीक है, चलो बाय।